गठबंधन धर्म के द्वारा सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट मिला। पार्टी ने महिला अति पिछड़ा समाज की बेटी को प्रत्याशी बनाने का काम किया। मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो कुछ न कुछ जुमलेबाजी करते हैं जी। हमें उम्मीद है फिर कोई नया सुगुफा और जुमलेबाजी करेंगे। तो आखिर पप्पू यादव जी अति पिछड़ा समाज के दुश्मन तो नहीं है कि एक महिला के खिलाफ इस तरह का लगातार बयान दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन भारत और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है और बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जहां पे जमुई में वो रोड शो करने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजद के नेता रणविजय साहू जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव होगी? देखिए, अब मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो कुछ न कुछ जुमलेबाजी करते हैं जी। हमें उम्मीद है फिर कोई नया सुगुफा और जुमलेबाजी करेंगे। तो बिहार के नौजवान, देश के नौजवान लगातार ठगा रहे हैं। देहात में कहावत है कि काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। तो उम्मीद है कि इस बार पूरी तरह से इनका सफाया होना तय। जिस प्रकार से इन्होंने किसको नहीं ठगा, किसानों को, युवाओं को, नौजवानों को, मजदूरों को, तो पूरी तरह से जनता इनको बेरोजगार करने वाली है। जनता तो महान है, जनता को ये ठगने का काम किए हैं, ठगे हैं 10 वर्षों में, तो जनता तो इस बार इनसे निश्चित रूप से बदला लेने का काम करेगी। और जनता ने निर्णय लिया है कि बिहार नहीं, इंडिया मुक्त, भाजपा मुक्त, संघ मुक्त होगा। और पूरी तरह से जनता उत्सुक, आप देखिए सारण में जाकर देखिए क्या जनता का जनसैलाब है, पूर्णिया में जाकर देखिए, तो औरंगाबाद में जाकर देखिए, नवादा में देखिए, जमुई में देखिए, तो कहीं ना कहीं जनता में जुगवाल है। तो बिहार में एक क्रांति हो चुकी है, एक इनकलाब हो गया है। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो 40 में 40 सीट लेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि वो हासिल कर पाएंगे? देखिए, ये सब खोखले साबित हैं। ये तो बोलते हैं अब की बार 400 के पार, अरे अभी चुनाव भी नहीं हुआ, काउंटिंग भी नहीं हुआ, और अब की बार 400 के पार। तो इनको लहर सिर्फ टीवी में दिख रहा है, जनता में लहर नहीं है, जमीनी हकीकत है, कहीं लहर नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वहां से आपके भी पार्टी से हैं, तो क्या लग रहा है कि पप्पू यादव आपकी पार्टी से जाकर फिर कांग्रेस में भी, क्योंकि वो महागठबंधन है, तो वहां पे जीत पाएंगे? देखिए, पप्पू यादव जो लगातार उनका बयान आ रहा है, पप्पू यादव जी माननीय नेता है, वह कांग्रेस में जाके विलय किए हैं अपने पार्टी को जी। राष्ट्रीय जनता दल से उनका कोई समझौता नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गठबंधन धर्म के द्वारा सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट मिला जी। पार्टी ने महिला अति पिछड़ा समाज की बेटी को प्रत्याशी बनाने का काम किया। तो आखिर पप्पू यादव जी अति पिछड़ा समाज के दुश्मन तो नहीं है कि एक महिला के खिलाफ इस तरह का लगातार बयान दे रहे। आज माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी नामांकन में स्वयं गए थे। हमें लगता है कि अब पूर्णिया की अटकलें बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो ये थे हमारे साथ राजद के नेता रणविजय साहू जी। तो इन्होंने क्या कुछ कहा आपने भी सुना, तो हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन भारत। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।